इस साल करण जौहर का बिग बॉस ओटीटी नहीं आएगा, इस तरह की खबरें थी। हालांकि अगर बाकी रीजनल में देखें तो बिग बॉस पहले आ जाता है और बिग बॉस ओटीटी बाद में आता है, लेकिन हिंदी की बात की जाए तो बिग बॉस ओटीटी पहले आया और यहाँ के कुछ कॉन्टेस्टेंट को मेन बिग बॉस में एंट्री मिली। अब बिग बॉस खत्म हो चुका है, उसको खत्म हुए भी लगभग अब 2 महीने होने को है, तो लॉकअप की तैयारी शुरू हो गई थी। लोगों को लग रहा था कि अब बिग बॉस ओटीटी तो नहीं ही आएगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि बिग बॉस ओटीटी के लिए ऑडिशंस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, बिग बॉस ओटीटी के लिए ऑडिशंस शुरू हो चुके हैं, तो करण जौहर इस शो को सीजन 2 को होस्ट करते नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लॉकअप और बिग बॉस ओटीटी क्लैश होगा? पिछले साल जिस सेट पर बिग बॉस का सेट बना था, बिग बॉस ओटीटी का पहले बना, उसके बाद उधर ही बिग बॉस का बना और उसी पर फिर लॉकअप का सेटअप बना, तो एक ही प्रिमाइस में ये तीनों सेटअप जो है लगाए गए थे। लेकिन अब अगर लॉकअप और बिग बॉस ओटीटी क्लैश होता है तो ऑडियंस तो बट ही जाएगी। इसके अलावा जो है सेट क्या अलग जगह लगाया जाएगा, या अब जब बिग बॉस ओटीटी की अगर कास्टिंग शुरू हुई है, ऑडिशंस शुरू हुए हैं, तो ये हो सकता है कि लॉकअप जब 3 महीने के लिए आएगा, क्योंकि एकता ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि इस बार ज्यादा समय के लिए रहेगा, तो अगर लॉकअप 3 महीने के लिए रहता है तो उसके बाद मुझे लगता है कि 5 हफ्तों के लिए बिग बॉस ओटीटी दिखाया जाएगा। और पिछले साल की तरह ही ओटीटी से में से कुछ कॉन्टेस्टेंट जो कि टॉप 3 होंगे विनर को छोड़कर, उनको मेन बिग बॉस में भेजा जाएगा। तो अब खबर यही है कि बिग बॉस ओटीटी के ऑडिशंस जो है शुरू हो गए हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि बहुत जल्द जो है दर्शकों को बिग बॉस ओटीटी भी देखने को मिल सकता है।